वाइज वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों मैं हूँ फिलहाल इस टाइम खेत पर और देख सकते हैं भाई, इससे पिछले ब्लॉग मैंने डाला था जो मैं धानों को पानी लगा रहा हूँ और भाई अभी इंजन फिलहाल चल रहा है खेत पर ही और धानों में यार बाली निकलना स्टार्ट हो चुकी हैं और इसमें जो है कीट पतंग जो ज़्यादातर नुकसान कर रहे हैं, तो इसके लिए रोकथाम के लिए भाई स्प्रे करा रहा हूँ मैं। देख सकते हैं भाई स्प्रे कर रहे हैं, वो अंदर हैं शायद, आपको दिखाई दे रहा हूँ काफ़ी दूर पहुँच चुके हैं, तो बैक कैमरे से दिखाता हूँ मैं आपको। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से लाल वाले बटन को प्रेस कर दें और दिखाते हैं यार आज को पूरा ब्लॉग। दोस्तों देख सकते हैं वो यहाँ से लेके स्प्रे और साइड को गए हैं, तो यहाँ से काफ़ी दूर हैं तो थोड़ा आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा और दिखाता हूँ मत। और दोस्तों देख सकते हैं जो इसमें जो कुछ बालियाँ हैं वो सूख चुकी हैं क्योंकि इसके अंदर जो दूध पड़ता है वो कीटनाशक ख़त्म कर चुके हैं, तो इससे धान में जो है काफ़ी नुकसान है और इसीलिए स्प्रे कराना पड़ रहा है। दोस्तों देख सकते हैं जो टंकी थी वो ख़त्म हो चुकी है और दोबारा टंकी पानी भरा है और दवाई डालने के बाद दोबारा स्टार्ट हो चुके हैं और लगभग हो चुका है सारे खेत में। उसके बाद ये इस गन्ने में भी स्प्रे होनी है, ठीक है, तो गन्ने में भी यार थोड़ा मर्च वगैरह लगा हुआ है तो उसके लिए भी लगभग 4 से 5 टंकी लगने वाली हैं, तो दिखाते हैं इस ब्लॉग में आपको। तो दोस्तों जो धानों में स्प्रे थी वो हो चुकी है और आप देख सकते हैं अब चालू कर दिए गन्ने में स्प्रे लगाने के लिए, तो देख सकते हैं जो स्प्रे वाले हैं वो अंदर पहुंच चुके हैं और जो गन्ने के हालात हैं दिखाता हूं आपको बैक कैमरे से। और दोस्तों देख सकते हैं गन्ने का कल्ला, तो क्योंकि इसमें कल्ला जो है सुंडी लग चुकी है कल्ले में और ये सूख रही है इसी वजह से, तो कुछ इस तरह का गन्ना हो रहा है, ये देख सकते हैं इसमें भी ये सुंडी लग चुकी है तो इसकी वजह से ये सूख रहा है। दोस्तों जो गन्ने में स्प्रे है वो भी लग चुकी है और बाकी ये भी लोग आपको कैसे लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।